सुप्रभात प्यारे बच्चों, बच्चों आज हम पाठ दो जैसी करनी वैसी भरनी का अध्ययन करेंगे। बच्चों इस पाठ में जैसी करनी वैसी भरनी यानी कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा, हमें सजा मिलेगी। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। इस पाठ में बच्चों एक दिव्यांग बालक है। दिव्यांग क्या होता है? जो व्यक्ति किसी कारणवश शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से अपंग होता है तो पहले बच्चों उसे अपाहिज या विकलांग बोलते थे, परंतु अब उसे दिव्यांग बोला जाता है। तो इस पाठ में एक बच्चा है विमल, जो नेत्रहीन है यानी कि वो दिव्यांग बालक है। आज हम इस कहानी में एक कमल नाम के लड़के के विषय में पढ़ेंगे जो नेत्रहीन विमल का मजाक उड़ाता है और बाद में उस कमल नाम के लड़के को अपनी गलती का एहसास भी होता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि उस बच्चे को कैसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। कमल, वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। इस पार्ट में कमल, आयुष, विमल कई बच्चे हैं। तो इसमें कमल कहता है, वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। तमाशा शब्द का अर्थ होता है बच्चों मनोरंजक दृश्य, यानी कि जिसे देखकर आपको आनंद मिले, अच्छा लगे। वह विषय, तो आयुष कहता है, क्या करोगे तुम? विमल को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना? तो ये बात आयुष कमल से कह रहा है। तो कमल कहता है, हाँ उस दिन हमने कितना मजा किया था। मजा शब्द का अर्थ होता है बच्चों आनंद। उस दिन हमने कितना आनंद लिया था। वह पास आ रहा है, यानी कौन पास आ रहा है? विमल पास आ रहा है। और विमल कौन है बच्चों? एक नेत्रहीन बालक है। भाग कर जाता है और एक पत्थर उठाकर रास्ते के बीच में रख देता है। कौन रख देता है? कमल रख देता है। तो विमल गाता हुआ आ रहा होता है, बड़े चलो राही तुम, बड़े चलो रुकना न तेरा, और धड़ाम से गिर जाता है। कौन गिर जाता है बच्चों? वो नेत्रहीन विमल बालक, क्योंकि वो एक तो गाता हुआ आ रहा था और दूसरा नेत्रहीन था, और कमल ने क्या किया था, एक बड़ा पत्थर उसके रास्ते में रख दिया था। एकदम से वो गिर जाता है। कमल तालियां बजाते हुए, गिर गया विमल उठने की कोशिश करता है, यानी कि जब कमल ताली बजाता है तो उस टाइम विमल गिरा हुआ है। और विमल कैसे गिर गया? क्योंकि उसने कमल ने पत्थर रास्ते में रख दिया था और बार बार वो मजाक उड़ा रहा है, गिर गया। सभी बच्चे हंसते हुए ताली बजाते बजाते हुए उठ भाई ऐसे कहते हैं, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हैं, क्यों चलते हो? यानी कि सभी बच्चे उस विमल का मजाक उड़ा रहे हैं जो बच्चा नेत्रहीन है, दिव्यांग है। तो देखा बच्चों आपको, इस कहानी में अभी तक हमने ये पढ़ा कि कैसे एक नेत्रहीन बालक का मजाक उड़ाया जाता है। तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो आगे पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।